हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले फोन के बारे में, जो दोस्तों आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा। सही फोन में आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि 25,000 के अंदर जितने भी फोन आते हैं सभी में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल ही जाता है। साथ ही आज के जितने भी फोन होंगे सभी आपको 5G देखने को मिलेगा। 60 और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा बैटरी लाइफ के साथ देखने को मिलने वाला है। और सभी में आपको सुपर एमोलेड और एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पांचों फोनों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों रियलमी नार्जो 50 प्रो, जो दोस्तों आपको एक 5G फोन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5 5G बैंड देखने को मिलता है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ इसमें आपको 3 कैमरा बैक के साइड देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। साथ दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और रियलमी UI देखने को मिल जाता है। इस फोन में दोस्तों आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छा फोन है दोस्तों, अगर आप रियलमी की तरफ से एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं तो इस फोन के साथ जा सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज आपको 24,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छा फोन है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। दोस्तों अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, तो सैमसंग गैलेक्सी A33 5G के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको 12 5G बैंड सपोर्ट करता है ये फोन। साथ दोस्तों इसमें आपको सैमसंग एक्सिनोस 1280 देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ OIS सपोर्ट कैमरा देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा सेटअप आपको रियर में देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको रियर साइड से देने वाला है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। 5 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 25 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा। सैमसंग वन UI देखने को मिल जाता है। साथ दोस्तों इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है। 3.5 mm हेडफोन जैक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, और ना ही आपको इस फोन के बॉक्स में चार्जर देखने को मिलता है। ओवरऑल आपको एक अच्छा फोन देखने को मिलता है नॉन चार्ज फोन में। 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज का आपको 24,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो इस फोन को आप खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। IQOO की तरफ से आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन IQOO Z6 Pro देखने को मिलता है 25,000 के अंदर दोस्तों। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778Z देखने को मिलता है, तो गेमिंग प्रोसेसर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलता है। यहां पर थोड़ा सा और देखने को मिल जाता है दोस्तों। साथ ही कैमरा के बारे में बात करते हैं तो 3 कैमरा आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। बैटरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4 या 7 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है दोस्तों। साथ ही इसमें आपको 66 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। 3.5 mm हेडफोन जैक यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, बाकी USB Type-C देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलने वाला है इस फोन में। साथ ही इसमें आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और फ्रंट टच OS आपको देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छा फोन ये भी आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, लेकिन दोस्तों इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, बाकी सब कुछ इसमें बढ़िया देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये फोन लेना है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये फोन पसंद नहीं आता तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। रियलमी की तरफ से आपको एक और 5G फोन देखने को मिलता है, Realme 9 Pro Plus 5G, जो दोस्तों आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिलता है। 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है ये फोन। साथ ही इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 देखने को मिलता है, तो परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाता है इस फोन का। जिसपे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ कैमरा आपको OIS सपोर्ट करता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है। साथ ही इसमें आपको 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके सेल्फी के बारे में, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको रियर साइड से दे देता है। बैटरी आपको 4500 mAh की देखने को मिलती है और 60 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिलता है रियलमी UI के साथ। साथ दोस्तों इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छा फोन दोस्तों आपको देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल का आपको 25,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, लेकिन आपको 25,000 से ऊपर आपको जाना होगा, तभी आपको वो वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है। OnePlus Nord CE 2
जो कि दोस्तों आपको एक 5G फोन देखने को मिलता है, साथ इसमें आपको 8 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 देखने को मिलता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलेगा। 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही कैमरा के बारे में बात करते हैं तो 3 कैमरा बैक साइड में देखने को मिलता है, 64MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको रियर साइड से देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 65W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है और ऑक्सीजन ओएस का सपोर्ट देखने को मिलता है। डुअल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, 3.5mm हेडफोन जैक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक बढ़िया फोन दोस्तों आपको वन प्लस की तरफ से देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। अगर आप इसको लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको 25,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कौन सा फोन आपको ज्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर देखिएगा।